नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। तो पहले आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में दो बातें होती हैं, इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स इनफाइनाइट होती हैं और प्रोबेबिलिटी वेरी स्मॉल होती है। और ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है पॉइजन का, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स, एक्स फैक्टोरियल, एक्स की वेरिएशन 0 से लेके इनफिनाइट होती है। दिस इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पहले आपको पता चाहिए होनी चाहिए ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब मुझे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके इसको बनाना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। दो तरीके से बना सकते हैं, एक आप बना सकते हो लिमिटिंग केस करके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एक आप कर सकते हो एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन से भी। तो हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे ड्राइव करनी है उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स होती हैं आप उसको इनफिनाइट कर दीजिए, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन है नंबर ऑफ ट्रायल्स आर इनफिनाइट और जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की उसको 0 को अप्रोच कर दीजिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। और जो एन इंटू पी है मीन उसको लैम्डा मान लीजिए। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी बन गई, पी की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, लैम्डा अपॉन एन। हमें पता है क्यू क्या होता है, 1 माइनस पी, तो 1 माइनस लैम्डा अपॉन एन हो गया। हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेटा प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू एन माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 0 to n। दिस इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर वाली ये चीजों को अप्लाई करके हम इसको हम बना देंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। तो लिमिटिंग फॉर्म का मतलब है एन टेंड्स टू इंफिनिटी कर दीजिए, पी की वैल्यू यूज करो लैम्डा अपॉन एन और क्यू की वैल्यू यूज करो 1 माइनस लैम्डा अपॉन एन। यहां से ये आपने पुट कर दी नंबर 2 में। अब आगे क्या करना है, आगे हमारे पास स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन होती है फॉर एन फैक्टोरियल एज एन टेंड्स टू इनफिनिटी। जब एन टेंड्स टू इनफिनिटी होती है तो एन फैक्टोरियल का आपने ये फार्मूला याद करना है, दिस इज कॉल्ड स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। ओके, तो ऊपर एन फैक्टोरियल था उसकी जगह ये यूज कर लिया, नीचे था एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल उसकी जगह ये यूज कर लिया, यहाँ पे एन की जगह एन माइनस एक्स कर दिया। एक्स फैक्टोरियल को उसने वैसे का वैसे रखा है, बाकी पी और क्यू वाली चीज भी ऐसे के वैसे रखी है। यहां से लैम्डा एक्स ऊपर से बाहर निकाल लीजिए, एक्स फैक्टोरियल बाहर निकाल दीजिए और यहां से ई की माइनस एन कट जाएगा, ई की पॉजिटिव एक्स बाहर आ जाएगा। इतनी चीज आपकी सेपरेट होगी बाहर एक्स से, और जो एन इनफिनिटी वाली उसको उसने अंदर रख लिया यहाँ पे, ठीक है जी। अब इन दोनों को कंबाइन करके नीचे ले आइए, एन को इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपका बन जाएगा एक्सप्रेशन। देखिए कैसे बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको क्लीन कर लेते हैं। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है भाई, वो हमारा ये ऊपर वाला तो वैसे का वैसे रहेगा, इसको इसके नीचे के डिवाइड कर लीजिए। तो एन को ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 माइनस xn बन जाएगा। अब इनकी पावर ब्रेक कीजिए, एन पावर लग कर दीजिए माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस 1/2 लग कर दीजिए, बाहर वाली चीज वैसे की वैसे पड़ी है। अब ये जो एक्सप्रेशन है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ये बड़ा फेमस फार्मूला, ये बन जाएगा ई की माइनस लैम्डा और नीचे वाली चीज बन जाएगी आपकी 1। ओके, तो सॉरी ई की माइनस एक्स बन जाएगी, और ये वाला जो ऊपर वाला है क्योंकि तो बाहर एन नहीं आ रहा तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 1 आंसर दे देगा, सिमिलरली ये भी 1 आंसर दे देगा। तो आपका ये क्या बन गया सिंप्लीफाई होके, यहाँ पे देखो किया हुआ है, सिर्फ आपके ये दो एक्सप्रेशन ये वाले ई की फॉर्म में आएंगे, ऊपर वाला बनेगा e की माइनस लैम्डा, नीचे वाले बनेगा e की माइनस एक्स, ठीक है जी। तो इनकी वैल्यूज पुट कर लो यहाँ पे भाई, बाकी 1 1 बन गए हैं, ये इससे इससे कट जाएगा, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन के आ गया विच इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ा आसान तरीका है, n टेंड्स टू इनफिनिटी कर दो, p को लैम्डा अपॉन n करके उसको सिंपलीफाई करके यू कैन फाइंड कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है जैसे ही एन टेंड्स टू इनफिनिटी बन जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।